जाए इसमें से। देख सातवां सवाल है, उस समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका केवा पद, ये केवा पद है एक के पांच के प्लस है। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र हमने सिद्ध करवाया था, n बटा दो, दो ए प्लस n माइनस वन बार। तो आंसर तो n में आएगा, ठीक है। अब a क्या है, पहला पद केवा पद दे रखा है, बताओ पहला पद कितना आएगा यहाँ से। a बराबर a वन ही तो होगा पहला पद, k का मान वन लगा दो, पांच गुणा एक प्लस वन कितना आ गया छः। दूसरा पद निकालो, पांच गुणा दो प्लस एक दस और एक ग्यारह, d निकाल दो कितना आ गया पांच। d यही तो होगा दूसरे पद में, तो पहला पद घटाओ, तो एस एन का मान कितना आ गया आपके पास, n बटा दो, दो गुणा ए का मान कितना निकाला आपने छः प्लस एन माइनस एक गुणा पाँच, ये आ गया एन बटा दो छः बारह प्लस पाँच एन माइनस पाँच, एन बटा दो सात प्लस पाँच, कौन सा कितने पदों का योग आ गया ये एन। इसके बाद देखते हैं हम बारहवां सवाल। बारहवें सवाल में कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का एम वा तथा एम वे पदों के योगफल का अनुपात, एस एम क्या है, एम पदों का योग, एस एन क्या है, और दिया है हमें कि एम पदों का योग तथा एन पदों के योग का अनुपात वो है एम स्क्वायर अनुपात। कोई दिक्कत इसमें, तो यह आ जाएगा एस एम बटे एस एन बराबर एम स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। एस एम का मान एम बटा दो, दो ए प्लस एम माइनस दो गुणा डी, एन बटा दो, दो ए प्लस एन माइनस दो गुणा डी। हाँ क्या हुआ, दिक्कत आ रही है। एस एम का मान कितना है, एम बटे दो, दो ए प्लस एम माइनस दो गुणा डी, और एस एन का मान दिया गया बराबर क्या है, एम स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, दो से दो कटे, ठीक है। कितना आ गया ये एम बटे एन, और ये आ रहा है दो ए प्लस एम माइनस वन गुणा डी बटे दो ए प्लस एन माइनस, ये एम और एन इधर चला जाएगा, तो एन बटे एम हो जाएगा इधर जाके। तो कट कट आके कुल मिला के आपके पास दिया है दो ए प्लस एम माइनस वन गुणा डी बटे दो ए प्लस एन माइनस वन, तिरछी गुणा कर लेते हैं और वो ऑप्शन में नहीं, कितना आ जाएगा दो ए एन प्लस एन एन गुणा एन माइनस वन गुणा डी, भाई एन दोनों गुणा करें और ये इधर जाकर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा दो ए एन प्लस, एक स्टेप मैंने जल्दीबाजी में कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है तो ये पहले जाके इसे गुणा करेगा पूरा ब्रैकेट, और ये पूरा ब्रैकेट इसे गुणा करेगा फिर ये अंदर जाएगा इसमें। ए वाले एक स्टेप ले लो, दो ए एन माइनस दो ए एम बराबर एम गुणा एन माइनस एन गुणा डी माइनस एन गुणा एम माइनस एन गुणा डी, यहाँ से दो ए कॉमन आके कितना आ गया एन माइनस एन, यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा एम एन माइनस एन माइनस एन एम माइनस माइनस प्लस डी तो कॉमन है एम एन से एम एन एन से कितना आ गया डी गुणा एन माइनस एन और दो ए गुणा एन माइनस एन, तो आपके पास आ गया दो ए बराबर। अब क्या पूछा ये देख, एम वे तथा एन वे पदों का अनुपात ज्ञात कर, एम वे ये अनुपात हमें, एम वा पद का मतलब हुआ एम
और एनवा पद का मतलब हुआ एम का मतलब क्या होता है ए प्लस एम माइनस नंबर डी और ए एन का मतलब डी का मान है कितना ए कॉमन ले लो ऊपर से कितना बचा वन प्लस एम माइनस वन गुणा डी ये अंदर गुणा कर दो ए ऊपर नीचे कॉमन लेके काट देते ए कॉमन लेके तो क्या बचेगा वन प्लस एम माइनस वन गुणा टू बटे नीचे से ए कॉमन लेंगे वन प्लस एन माइनस वन गुणा टू ये कट गया वन प्लस दो एम माइनस दो बटे वन प्लस दो एन तो एम वा और एन वे पद का अनुपात आ रहा है हमारे पास दो एम माइनस एक बटे दो एन ठीक है नोट कर एक लिस्ट ले लो जो अपने बच्चों की है कैसे है